बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरे स्पेक्ट्रा। PHY-404 मॉडर्न फिजिक्स के 2 के सिस्टम में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमें इसको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे अभी हम इसको बेसिक टर्म सीखने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि एक्सरेज हैं क्या। तो 1895 में विलहेम कॉर्नर रोंटिजन ने इसको डिस्कवर किया था, जब वो हाई वोल्टेज वैक्यूम ट्यूब के अंदर कुछ मेटल या ग्लास रखने की सूरत में उसने देखा कि दूर पड़ी हुई कुछ फ्लोरिसेंट मिनरल्स फ्लोरिसेंस काज करना शुरू कर देती हैं। इसके अलावा उसने देखा कि करीब पड़ी हुई फोटोग्राफिक फिल्म भी उनसे एक्सपोज हो जाती है। अब ये सारा काम सिर्फ और सिर्फ किसी रेडिएशन की वजह से हो सकता है। उस वक्त चूँकि उसको पता नहीं था कि हाई वोल्टेज काज की वजह से जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करके स्ट्राइक किया जाता है ऑन टू सम मेटल, तो वहाँ से कोई रेडिएशन इमिट हो सकती है, तो उसने इसका नाम एक्सरेज रख दिया। तो इस वजह से हम आज तक उसको एक्सरेज का नाम दे सकते हैं। बाज़ सूरतों में हम इसको रोंटिजन रेज का नाम भी देते हैं। जब उसने शुरू में ये काम किया था, तो उसने अपनी बेसिकली वाइफ के हाथ को एक्सपोज किया ऑन टू द फोटोग्राफिक फिल्म बाय दीज रेडिएशन। तो उसने देखा कि ये रेडिएशन उसके हाथ के गोश्त वगैरह में से पास ऑन कर जाती है, हड्डियों वगैरह का उसको स्केच वहाँ पे हासिल हुआ था। और ये फ्राइडे नवंबर 1895 में उसने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। और आजकल जो हम एक्सरेज प्रोड्यूस कर रहे हैं वो टिपिकली 30 kV से लेकर 150 kV की एक्सरेज पाई जाती हैं या हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक्सरेज हैं क्या, तो बाद में जब हमने इसको स्टडी किया तो हमें पता चला कि एक्सरेज आर द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और दे हैव वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम 0.01 to 10 nanometer। यानी ये हमारे पास तकरीबन 0.1 angstrom से लेकर 10 nanometer यानी 100 angstrom तक ये इसकी वेवलेंथ हो सकती है। और जो वेवलेंथ है दैट इज़ शॉर्टर देन द अल्ट्रावायलेट रेज एंड टिपिकली लॉन्गर देन द गैमा रेज। यानी ये अल्ट्रावायलेट रेज से इसकी वेवलेंथ कम है और गैमा रेज से इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। अब जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा शार्प बाउंड्रीज हम अप्लाई नहीं कर सकते कि यहाँ से अल्ट्रावायलेट रेज शुरू हो रही हैं, यहाँ से गैमा रेज शुरू हो रही हैं, यहाँ से एक्सरे शुरू हो रही हैं, तो बाज़ औक़ात ये ओवरलैप कर रही होती हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब हम एक्सरेज कह रहे हैं तो वो गैमा रेज से उनकी वेवलेंथ शॉर्टर होगी और अल्ट्रावायलेट से उनकी वेवलेंथ लॉन्गर होती है। एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय रोंटिजन, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं 1895 के अंदर, और रोंटिजन ने उसका नाम एक्स रेडिएशन का नाम रखा था, जिसको हम आजकल एक्सरेज का नाम दे रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को थोड़ा सा देख लें, क्योंकि हमें वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के रेफरेंस से हमें इसके बहुत सारी जगहों पे ज़रूरत पेश आएगी, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास अल्ट्रावायलेट है वो हमारे पास 10⁻⁸ मीटर की रेंज में है, यानी तकरीबन 10 nanometer की रेंज में है, जबकि एक्सरेज हमारे पास 1 angstrom की रेंज में है और गैमा रेज हमारे पास 10⁻½ meter की रेंज में है। तो इसका मतलब ये है कि गैमा रेडिएशन आर मोर शॉर्टर वेवलेंथ देन दी एक्सरेज। और वैसे अगर हम अपने एक स्केच बनाने के लिए देखें तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो माइक्रोवेव्स हैं दैट इज़ इन द रेंज ऑफ 10⁻²⁰ meter एंड देन इंफ्रारेड एंड देन विजिबल अल्ट्रावायलेट एक्सरेज गैमा रेज एंड दीज आर द होल स्पेक्ट्रम। और दरमियान में अगर हम विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करें तो दैट इज़ वेरी स्मॉल। अगर हम बात करें तो इनकी वेव लेंथ रेंज अगर देखा जाए तो विजिबल रेंज हमारे पास जस्ट 350 or 400 nanometer से लेकर 700 to 750 nanometer तक ले जाती है, बाकी तमाम की तमाम हमारे पास इनविजिबल स्पेक्ट्रम है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज़ वेरी लार्ज स्पेक्ट्रम एंड वी कैन सी ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ दैट स्पेक्ट्रम विच इज़ कॉल्ड द विजिबल रेडिएशन। अब
कहाँ से एक्सरेज पैदा हो सकती हैं या सोर्सेज ऑफ एक्सरेज कौन कौन से हो सकते हैं जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास एक्सरे ट्यूब्स होती हैं जो कि सील्ड फॉर्म में हमें मिलती हैं, हम उनको एज सोर्स इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे रेडियो एक्टिव सोर्सेज ऐसे होते हैं जो एक्सरेज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर रोटेटिंग एनोड ट्यूब, बाज़ूकात हम उसको साइक्लोट्रॉन की तरह देखते हैं, तो वहाँ पर ये हमारे पास सोर्सेज हो सकते हैं। सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन फैसिलिटीज़ इसमें शामिल हो सकती हैं, लेकिन जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं तो वो एक्सरे ट्यूब, जिसको हम सील्ड एक्सरे ट्यूब का नाम देते हैं, और सिंक्रोट्रॉन फैसिलिटीज़ कही जा सकती हैं जो हम कमर्शली यूज़ करते हैं। जैसे एक्सरे करवाने जाते हैं अगर हम, तो वहाँ पर हमारे पास एक्सरे ट्यूब की मदद से वो मशीन पूरी बनाई जाती है। अब एक्सरे ट्यूब में होता क्या है? एक्सरे ट्यूब में बेसिकली फिलामेंट को हीटअप करने के लिए, सॉरी मेटल को हीटअप करने के लिए फिलामेंट का इस्तेमाल किया जाता है, और उससे इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, और दीज इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड बाय, अगर मैं इसको, हाँ जी, ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं इनको एक्सेलरेट किया जाता है टूवर्ड्स दी एनोड थ्रू ए हाई पोटेंशियल डिफरेंस, और जब हाई वोल्टेज से ये मूव करते हैं तो दे गेन मच एनर्जी, एज सच इतनी एनर्जी उनके पास आ जाती है कि वो जो एलिमेंट के एटम हैं उनके अंदर तक पेनिट्रेट कर सकें। जब वो उसके अंदर तक पेनिट्रेट करते हैं तो बाज़ूकात ये होता है कि वो अंदर जाके, दो सूरतें हो सकती हैं कि वो इनर शेल में से ट्रांस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दें, या फिर वो खुद डिसलरेट होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे एनर्जी फोटोन प्रोड्यूस होते हैं। जब वो इनर शेल को नॉकआउट करते हैं तो उस वक्त हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स एक्सरेज पैदा होती हैं, और अगर वो यहाँ पे डिसलरेट हो विद इन दिस एनोड एटम के अंदर, वो डिसलरेशन हो सकती है या वो अपना पाथ चेंज कर सकते हैं, तो उस सूरत में वहाँ से कंटिन्यूस एक्सरेज प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो ये हमारे पास इसका एक्सरे ट्यूब का बेसिक सा प्रिंसिपल होता है। ये बातें हम PHY 403 मॉडर्न फिजिक्स 1 में कर चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे जस्ट इसको ब्रीफली बताया कि एक्सरे ट्यूब कैसे काम करती है। यहाँ पे जो कॉपर रॉड होता है जो हीट डिसिपेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ओनली 1% ऑफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ कन्वर्टेड इनटू एक्सरेज, और बाकी सारी की सारी एनर्जी यानी 99% ऑलमोस्ट एनर्जी हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो रही होती है। तो वो उस डिसिपेशन को कैटर करने के लिए यहाँ पे कॉपर रॉड लगा होता है जो हीट को डिसिपेट कर रहा होता है, उसको बाहर निकाल रहा होता है। तो ये बहुत अहम चीज़ होती है इसके लिए, अदरवाइज़ यहाँ पे जो एनोड हो वो इतना ज़्यादा हीटअप हो जाए कि वो फौरन ही मेल्ट हो जाए ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ दी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अगर हम देखेंगे कंटिन्यूस एक्सरेज कैसे बनती हैं, तो जैसे मैंने बताया कि कंटिन्यूस एक्सरेज बेसिकली डिसलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होती हैं। इनको हम ब्रेमस्टलंग एक्सरेज का नाम भी देते हैं, और बाज़ूकात हम उसको ब्रेकिंग रेडिएशन का नाम भी देते हैं। अब ब्रेकिंग रेडिएशन का मतलब भी यही है कि हम इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करते हैं, और जब हम रोकने की कोशिश करते हैं तो उस सूरत में वो एक चार्ज पार्टिकल जब डिसलरेट होता है तो इट विल इमिट रेडिएशन विच इज़ इन दी रेंज ऑफ एक्सरेज। सो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास ब्रेमस्टलंग एक्सरेज इमिशन होती है। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो इसमें ये भी नज़र आ रहा होगा कि इनकमिंग प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन जो हाई एनर्जी कंटेन कर रहा है वो जब यहाँ से न्यूक्लियस के पास से गुजरता है तो वो बैंड हो जाता है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज। चूँकि पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस के ऊपर, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए वो यहाँ से करीब से गुजरते हुए वो बैंड हो जाता है, और जब वो बैंड होकर दूसरी तरफ निकलता है तो उसकी इस डिसलरेशन की वजह से, बिकॉज ऑफ इट्स चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसके चेंज इन वेलोसिटी इंकाज करती है, और इस डिसलरेशन की वजह से उसमें से एक्सरेज निकलती हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के बहुत करीब से गुजर रहा होगा तो जो इमिशन होगी वो हाई एनर्जी फोटोन होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बड़ी तेज़ी से अपनी एनर्जी रेडिएट करेगा। लेकिन अगर ये थोड़ा फासले से गुजर रहा होगा, ज़्यादा फासले से गुजर रहा होगा, तो उस सूरत में ये एनर्जी रेडिएट करता है लेकिन उतनी तेज़ी से रेडिएट नहीं करता जितनी तेज़ी से करीब गुजरने वाला करता है। तो इस वजह से जब मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन एटम पर बम्बार्ड किए जाते हैं तो वो मुख्तलिफ जगहों से गुजरने की वजह से हमारे पास मुख्तलिफ रेडिएशन फोटोन की यानी वेवलेंथ डिफरेंट हो सकती है, एनर्जी डिफरेंट हो सकती है। तो इट मीन्स कि हमारे पास एनर्जी डिपेंड करेगी कि एक
इलेक्ट्रॉन कितनी तेज़ी से अपनी एनर्जी रेडिएट कर सकता है। और लाजमी तौर पे एक तरीका ये भी हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉन यकदम रुक जाए, तो अगर वो यकदम रुक जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि वो जो इनकमिंग प्रोजेक्टाइल इलेक्ट्रॉन होगा उसकी सारी की सारी एनर्जी एक सिंगल फोटॉन की सूरत में इमिट हो जाएगी। लेकिन अगर वो आहिस्ता आहिस्ता रुकेगा तो उस सूरत में, या दूसरे लफ्ज़ों में, अगर वो एनर्जी स्टेप्स के अंदर खारिज करे तो अल्टीमेटली हमारे पास जो फोटोन इमिट होंगे वो मुख्तलिफ एनर्जीज़ के होंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन से लेकर कम एनर्जी तक कोई भी फोटोन इमिट हो सकता है ड्यूरिंग दिस ब्रेमस्टेलंग फिनोमेना, यानी ड्यूरिंग दिस डीसेलरेशन। ये था हमारे पास कंटिन्यूस एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होती हैं। उसके बाद कंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रा को अगर हम देखें तो हम ये मुख्तलिफ वोल्टेज के ऊपर मुख्तलिफ स्पेक्ट्रा शो किए गए हैं। तो हम देख रहे हैं कि लेट्स से 20 किलो वोल्ट पर जो मुख्तलिफ फोटोन इमिट हो रहे हैं उनका स्पेक्ट्रम, फिर 30 किलो वोल्ट, 40 किलो वोल्ट और 50 किलो वोल्ट के ऊपर, जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है बिटवीन द एनोड एंड द कैथोड ऑफ द ट्यूब, तो हमारे पास जो एनर्जी रेडिएटेड है वो बढ़ रही है। जो हमारे पास इस इनके दरमियान एनर्जी एरिया है वो हम बेसिकली उसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एरिया अंडर द कर्व रिप्रेजेंट द एनर्जी विच इज़ द ग्राफ बिटवीन इंटेंसिटी दैट इज़ काउंट्स पर सेकेंड एंड द वेवलेंथ। तो इस सूरत में हमारे पास टारगेट मटेरियल पर डिपेंड कर सकता है और उसके अलावा पोटेंशियल डिफरेंस पर ये डिपेंड करेगा। और जैसे जैसे मिनिमम वेवलेंथ डिक्रीजेज एंड द इंटेंसिटी इंक्रीजिंग एज द वोल्टेज इंक्रीजेज, अगर आप देखा जाए तो जो स्टार्टिंग वोल्टेज है, स्टार्टिंग वेवलेंथ है, वो ये जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जा रहा है वो डिक्रीज़ करती जा रही है। तो स्टार्टिंग वोल्टेज सॉरी स्टार्टिंग वेवलेंथ जो हमारे पास डिक्रीज़ करने का मतलब ये है कि उसकी एनर्जी जो मिनिमम एनर्जी ऑफ द फोटोन होगी वो इंक्रीज़ करती जा रही है विद द इंक्रीज इन वोल्टेज। तो हम कह सकते हैं कि ये वोल्टेज डिपेंडेंट होगी एक्सरेज अगर हम टारगेट को सेम भी रखें। तो ये था हमारे पास कंटिन्यूस एक्सरेज। अब हम देखते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस हो सकती हैं। अगर उस ट्यूब के अंदर जो मेटल हम यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आके बम्बार्ड इस तरह करे कि वो जब इलेक्ट्रॉन उस पर टकराए तो यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दे, अब ये हमारे पास रेडिएशन या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आके इस इलेक्ट्रॉन पर टकराएं और इसको इजेक्ट कर दें, तो यहाँ पर वैकेंसीज क्रिएट हो सकती हैं। अब वैकेंसीज क्रिएट होंगी अगर इनर शेल के अंदर, लेट्स से कि के शेल के अंदर अगर ये वैकेंसी क्रिएट हो रही है तो अल्टीमेटली यहाँ पे वो वैकेंसी फिल होगी फ्रॉम द अपर एनर्जी लेवल, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अपर एनर्जी लेवल। अब वो अपर एनर्जी लेवल वो हमारे पास एल शेल हो सकता है या एम शेल हो सकता है। अब अगर फ़र्ज़ करें कि वो एल शेल से जंप करके के शेल के अंदर वैकेंसी को फिल करे तो उस सूरत में हमारे पास एक हाई एनर्जी फोटोन प्रोड्यूस होगा और वो फोटोन की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इन द रेंज ऑफ एक्सरेज फॉल करेगी और उसको हम करैक्टरिस्टिक्स एक्सरेज का नाम देंगे। और इस सूरत में अगर ये ट्रांजिशन हो रही हो फ्रॉम L टू K तो हम इसको K अल्फा एक्सरेज का नाम देते हैं। और अगर इसी तरह ये हमारे पास ट्रांजिशन हो रही हो फ्रॉम M टू K और उस सूरत में भी हमारे पास जो फोटोन होगा उसकी एनर्जी भी सफिशेंटली हाई होगी, दैट इज़ इन द रेंज ऑफ एक्सरेज, तो उस सूरत में हम उसको K बीटा एक्सरेज का नाम दे देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एनर्जी ऑफ द फोटोन ऑफ के अल्फा विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जीज ऑफ द टू शेल्स, टू लेवल्स के दरमियान जो हमारे पास एनर्जी गैप आता है वो उसके बराबर होगी। इसका मतलब ये है हमारे पास के अल्फा की एक सर्टेन एनर्जी होगी, के बीटा की एक सर्टेन एनर्जी होगी, इनके दरमियान में कोई भी एनर्जी पॉसिबल नहीं होगी। तो ऐसी सूरत में हम इसको डिसकंटिन्यूस एक्सरे स्पेक्ट्रम का नाम दे सकते हैं और इसी को हम करैक्टरिस्टिक्स एक्सरेज का नाम देंगे। अक्सर जगहों पे हम इसको लाइन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। तो ये जो करैक्टरिस्टिक्स एक्सरेज है इससे हमें मेटल या जो टारगेट मटेरियल है उसकी नेचर का भी आइडिया हो सकता है। ये जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास एक पीक इस वेवलेंथ के ऊपर हासिल हो रही है और एक पीक इस वेवलेंथ के ऊपर हासिल हो रही है। अब ये दोनों वेवलेंथ
के दरमियान में गैप है, जबकि दोनों पीक से दरमियान जिस तरह एक गैप नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज है। बेसिकली ये ओवरलैपिंग इस वक्त नज़र आ रही है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा जो हमारे पास ये होना चाहिए था, और ये हमारे पास उसकी डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा है, क्योंकि एट ए टाइम वहाँ पर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम भी प्रोड्यूस हो सकता है, तो लेकिन पीक से हमें उसकी करेक्टरिस्टिक्स वेवलेंथ का पता चल जाता है। अब एक्सरेज हम कह सकते हैं फिर कि किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन है, यानी हाई एनर्जी फोटोन है, और एक्सरेज आर एमिटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टू द इनर शेल स्टेट्स इन एटम्स ऑफ मॉडेस्ट एटॉमिक नंबर, यानी ये लो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन हीलियम वगैरह के बजाय थोड़े से हैवी एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट के अंदर ज़्यादा डोमिनेंट फिनोमेना होगा। दीज एक्सरेज आर करेक्टरिस्टिक्स एनर्जीज रिलेटेड टू द एटॉमिक नंबर एंड ईच एलिमेंट देयरफॉर हैज़ अ करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज स्पेक्ट्रम। तो हम एक्सरे स्पेक्ट्रम से उस एलिमेंट का अंदाज़ा भी कर सकते हैं कि वो कौन सा एलिमेंट है। इसके अलावा इनर शेल ट्रांजिशन की हमने बात की है, तो पहले हम इसको ज़रा थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लें, क्योंकि स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो उसके अंदर जो प्रिंसिपल यूज़ होता है दैट इज़ कॉल्ड द इनर शेल ट्रांजिशन। अब इनर शेल ट्रांजिशन क्या है, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि इनर शेल ट्रांजिशन में अंदर से कोई जो न्यूक्लियस के करीब इलेक्ट्रॉनिक शेल हैं वहाँ से एक वैकेंसी क्रिएट की जाती है बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन और सम अदर केस। तो अब वो जो हमारे पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन या किसी और जरिए से जब हम इनर शेल में एक वैकेंसी क्रिएट कर देते हैं, तो वो वहाँ से ट्रांजिशन होगी फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट, और ज़्यादा चांस होगा कि वो के में अगर वैकेंसी है तो वो एल या एम से ट्रांजिशन होके उसको वैकेंसी को फिल करेगा, तो उस को हम इनर शेल ट्रांजिशन का नाम देते हैं। और अगर हम सिंपलेस्ट केस में देखें तो बहुत थ्योरी के मुताबिक कि ये हमारे पास एन इनिशियल और एन फाइनल अगर हमें पता हो, तो उस सूरत में जो एनर्जी ऑफ द फोटोन होगी दैट शुड बी इक्वल टू ई एन आई और माइनस ई एन एफ, मतलब जो फाइनल पोटेंशियल फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी के दरमियान जो गैप आता है, दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह लें कि जिस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है और जहाँ से आ रहा है उन दोनों लेवल्स के दरमियान जो डिफरेंस आता है दैट इज़ इक्वल टू एनर्जी ऑफ द फोटोन। और यहाँ पे हम अगर इसको देखें तो ये फार्मूला हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, एम ई टू द पावर फोर जेड स्क्वेयर ओवर 2 into 4 pi epsilon naught square h cut square into 1 over nf square minus 1 over n i square। तो यहाँ से हम इसको अगर कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ ले लें, यानी m e टू द पावर 4 ओवर 8 pi epsilon naught square, सॉरी 16 pi कहना चाहिए 32 pi epsilon naught square, तो उस सूरत में ये 13.6 बनता है कांस्टेंट की वैल्यू, और इसके साथ जेड स्क्वायर को हम ऐसे ही अटैच कर दें तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाती है ऑफ द फोटोन ट्रांजिटिंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल लेवल। अगर हम इसको कम्प्लेक्स एटम के अंदर देखें तो ये हमारे पास सिंपल में जिसमें जेड की हम बात कर रहे हैं कि जहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन एम लेवल में है या एल लेवल में है उसको के शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो भी शील्ड कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो जेड का इम्पैक्ट होना चाहिए एल या एम लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन के ऊपर या हायर एनर्जी लेवल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो उतना नहीं होता जितना डायरेक्ट न्यूक्लियस के करीब होने की सूरत में हो सकता था। वो जो इलेक्ट्रॉन की शील्ड बनती है, जो नेगेटिव क्लाउड बनता है अराउंड द न्यूक्लियस, वो उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, हम इसको स्क्रीनिंग फैक्टर का नाम देते हैं। अब अगर हम स्क्रीनिंग फैक्टर उस जेड के अंदर अप्लाई कर दें जो जेड को रिड्यूस कर जेड के इफेक्ट को रिड्यूस कर रहा है, तो हमें फिर इस फार्मूले को इस तरह लिखना चाहिए 13.6 इंटू जेड स्क्वेयर की बजाय हमें जेड माइनस एस लिखना चाहिए, वेयर एस इज कॉल्ड द स्क्रीनिंग फैक्टर। तो जेड माइनस एस स्क्वेयर इंटू 1 ओवर एन एफ स्क्वेयर माइनस 1 ओवर एन आई स्क्वेयर विल बी द एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर द फोटोन इमिटेड। अब If S is small and Z is greater than 10, the typical photon value is photon energy is in the order of 1 kilo electron volt.
दीज आर एक्सरेज। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एस बहुत स्मॉल हो और जेड की वैल्यू 10 से ज़्यादा हो तो उस सूरत में जो एक्सरेज इमिट होती हैं इनर्शियल ट्रांजिशन की वजह से वो तकरीबन 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में आती हैं जो कि एक्सरेज ही हैं। देर इज़ ऑल्सो वेल डिफाइंड रिलेशन बिटवीन द फोटोन एनर्जी एंड द अटोमिक नंबर। अब फोटोन एनर्जी और अटोमिक नंबर के दरमियान भी बहुत एक एग्जैक्ट रिलेशन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, उसी को हम अभी फिल वक्त पढ़ेंगे। एज ए स्पेसिफिक एग्जाम्पल फॉर द ट्रांजिशन फ्राम एन आई इज इक्वल टू 2 टू एन एफ इज इक्वल टू 1, दैट इज एल से के की तरफ अगर ट्रांजिशन होती है तो हम उसको के अल्फा ट्रांजिशन का नाम देते हैं, और दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ई नॉट ओवर 4 इन टू जेड माइनस एस, जबकि ई नॉट की वैल्यू यहाँ पे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखी जा सकती है। तो गिवन मेजरमेंट ऑफ द के अल्फा एक्सरेज एनर्जी फॉर ए सीरीज ऑफ एलिमेंट ए प्लॉट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द एनर्जी वर्सेस जी, यानी हम जेड और एनर्जी स्क्वायर रूट के दरमियान अगर ग्राफ प्लॉट कर लें तो हमारे पास जस्ट अ मिनट, अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ एनर्जी और जी के दरमियान अगर ग्राफ प्लॉट करें तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन हासिल होनी चाहिए। अब ये स्ट्रेट लाइन मुख्तलिफ एलिमेंट्स के लिए बनती है। द स्लोप दैट मेजर्स द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एंड, यानी जो स्लोप होगी वो आयोनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेगी, जबकि जो इंटरसेप्ट बनेगा ऑफ द दैट विल बी कॉल्ड द स्क्रीनिंग फैक्टर ऑफ द ट्रांजिशन फ्रॉम 2 टू 1। मतलब ये कि अगर हम एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बिटवीन ई एंड ई अंडर रूट एंड दी जी, तो हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन बनती है इसका जो स्लोप होगी वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाएगी, और जो हमारे पास इंटरसेप्ट होगा ये बेसिकली मेजर करेगा इसके स्क्रीनिंग फैक्टर को, यानी ये हमारे पास इंटरसेप्ट स्क्रीनिंग फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मोज़ले ने इससे बहुत अहम रिज़ल्ट डिड्यूस किए थे। उसने ये मोज़ले ने कहा कि वंस द स्क्रीनिंग फैक्टर इज़ नोन के ऑफ द के अल्फा एक्सरे एनर्जी कैन बी यूज टू कैलकुलेट द जेड ऑफ एनी अननोन सैंपल, यानी अगर हमें के अल्फा का स्क्रीनिंग फैक्टर पता चल जाए तो किसी भी एलिमेंट के लिए जेड मालूम करना आसान हो जाता है। द लॉजिक ऑफ दिस रेगुलरिटी इन एक्सरे स्पेक्ट्रा वॉज फर्स्ट लेड बाई एच जी मोज़ले इन 1913। उसने ये इस रिज़ल्ट की बिना पर ये कहा कि हमारे पास जो एग्जिस्टेंस होती है एटॉमिक नंबर की, उसकी तरतीब उसने सही की, या आप ये कह सकते हैं कि उसने पीरियोडिक टेबल को रीअरेंज कर दिया। रिजॉल्व द इनकंसिस्टेंसीज इन द प्लेसमेंट ऑफ कोबाल्ट वर्सेस निकल एंड ऑर्गन वर्सेस के इन द पीरियोडिक टेबल विच प्रियर टू दिस पॉइंट हैड बीन अरेंज बाई एटॉमिक वेट। पहले जब इसको देखा जाए कोबाल्ट और निकल वगैरह को या आर्गन और पोटाशियम को, तो वो अरेंज किए गए थे कि जो भी हैवियर था उसको और बाद में, और जो लाइटर था उसको पहले अरेंज किया था। लेकिन जब मोज़ले ने अपने इस प्रिंसिपल के साथ जो स्क्रीनिंग फैक्टर की इन्वॉल्वमेंट के साथ जब इसको दोबारा रीअरेंज किया तो उसने कहा कि ये असल में रीअरेंज करना पड़ेगा हमें कोबाल्ट निकल को और आर्गन और के को। प्रिडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू अनसीन एलिमेंट, इसी बेस पर एक्सरे स्पेक्ट्रम के अंदर कुछ मिसिंग एंटिटीज थी, जैसे जेड इज इक्वल टू 43 था पीरियोडिक टेबल में, 61 था, 72, 75, ये उस वक्त तक मिसिंग थे, यानी हमारे पास कोई ऐसे एलिमेंट नहीं थे जो इन जेड को बिलोंग करते हों, यानी चार्ज नंबर जिनका 43, 61, 72 और 75 था। उसने प्रिडिक्ट किया कि ये एलिमेंट भी मौजूद होने चाहिए इन द नेचर अपनी उस करेक्टरिस्टिक कर्व के साथ। अब मोज़ले आल्सो डिस्कवर्ड द एक्सपेक्टेड अरेंजमेंट ऑफ एक्सरे लाइन इनटू फैमिलीज रिफ्लेक्टिंग द कम्बिनेट्रिक्स इन एन एफ एंड एन आई, यानी उसने ये कहा कि हमारे पास जो फाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एक्सरे है वो भी हो सकता है, और इस तरीके से ए चार्ट ऑफ के एल एम एंड एम फैमिलीज वर आल्सो मेड। उसने कहा कि के अल्फा हम कहेंगे जब ये ट्रांजिशन हो रही हो 2 टू 1, यानी
एल से के की तरफ, इसी तरह के बीटा वन हम उसको कहते हैं जब वो थ्री से वन हो रही हो, के बीटा टू हम कहते हैं जब वो फोर से वन ट्रांजिशन हो रही हो, यानी उसने मुख्तलिफ फैमिलीज़ की सूरत में उसको ग्रुपिंग कर दी, जो एक्सरे स्पेक्ट्रा के स्टडी करने में बहुत हेल्प करती है। यहाँ पे अगर आप नोट करें तो ये पहली ट्रांजिशन इसके अंदर जब के अंदर ट्रांजिशन हो रही है, इट कैन बी फ्रॉम एल, और अगर हम यहाँ पर देखें तो एल के अंदर से ट्रांजिशन वो L1, L2, L3 में से किसी जगह से भी हो सकती है। इसी तरीके से जो स्प्लिटिंग ऑफ लेवल्स हो रही हैं यहाँ पे M के और N के एंड सो ऑन, तो वो स्प्लिटिंग ऑफ लेवल्स की वजह से मुख्तलिफ अनर्जीज़ की ग्रुप बनते हैं। अब ये हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर बहुत अहम टर्म्स यूज़ की जाती हैं टू प्रिडिक्ट दी एलिमेंट के कौन से एलिमेंट की ये ट्रांजिशन हो सकती है। अब इस तमाम को उसने ये हमारे पास एक फैमिली बन जाती है के अल्फ़ा की, इसी तरह हमारे पास ये के बीटा वन और के बीटा टू की फैमिलीज, उसने इसी तरह के बीटा थ्री और के बीटा फोर तक उसने मुख्तलिफ ग्रुपिंग कर दी। इसी तरह यहाँ पे जो ट्रांजिशन हो रही है, बीटा ट्रांजिशन हो रही है सेकंड एल के अंदर हो रही है, इसी तरह फिर यहाँ पे एम के अंदर भी ट्रांजिशन हो रही है, वहाँ से भी करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो ये हमारे पास के अल्फा और के बीटा के स्पेक्ट्रम को जाहिर कर रहा है, इसी तरह ये एल अल्फा एल बीटा और एल गैमा की सूरत में, और इसी तरह ये एम लेवल के अंदर ट्रांजिशन की वजह से एक्सरेज की प्रोडक्शन के स्पेक्ट्रा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम उसको फिर लाइन स्पेक्ट्रम की सूरत में देख सकते हैं कि रेडिएटिव पोजीशंस ऑफ के एल एक्सरेज इन दी स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ दी सिल्वर। ये हमारे पास सिल्वर के लिए स्पेसिफिक लाइंस हैं जिसमें के सीरीज़ की लाइन हासिल हो रही हैं, एल सीरीज़ की लाइन हासिल हो रही हैं, के सीरीज़ में फिर हमारे पास अल्फा और बीटा के बीटा की सूरत में, और इसी तरह एल सीरीज़ में हमारे पास एल अल्फ़ा बीटा और गैमा की सूरत में लाइंस एक्सरेज लाइंस का स्पेक्ट्रा हासिल हो रहा है। तो ये तमाम के तमाम हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज के से ही हम हासिल कर रहे हैं। तो ये हमारे पास मोज़लेज़ डायग्राम है इन विच द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज प्लॉटेड अगेंस्ट द एटॉमिक नंबर ऑफ द इमिटिंग एलिमेंट फॉर टू लाइंस ऑफ द के सीरीज। इट मस्ट बी रिमेंबर दैट मोज़लेज़ डिड दिस वर्क मोर देन हाफ सेंचुरी अगो, यानी आज से बहुत साल पहले, अब तो हाफ सेंचुरी नहीं कहना चाहिए, एक सेंचुरी हो गई इसको किए हुए, कि जब उसने ये प्रिडिक्ट किया था सम ऑफ द एलिमेंट्स उस वक्त जो अननोन थे उसने प्रिडिक्ट कर दिए थे, जो अब जाके हमें पता चलता है कि वो एलिमेंट भी मौजूद है। द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट मेयरली रिप्रेजेंट्स इट्स पोजीशन इन द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ स्ट्रेट लाइन फॉर द कर्व वी सॉरी न्यू अंडर रूट एंड जी, यानी न्यू अंडर रूट और जी के दरमियान जो स्ट्रेट लाइन हासिल करने के लिए जो हमें करेक्शन करनी पड़ी थी, तो उसके लिए फिर हमें निकल और कोबाल्ट के दरमियान रिलेशन को इंटरचेंज करना पड़ा था, यानी उनकी पोजीशन को चेंज करना पड़ा था। तो काजिंग दी असाइनिंग द लोअर एटॉमिक नंबर टू द एलिमेंट ऑफ हायर एटॉमिक वेट, यानी हमने जो हायर एटॉमिक वेट था उसका को हमें लोअर एटॉमिक नंबर असाइन करना पड़ा। फर्दर मोर ए गैप हैड टू बी लेफ्ट एट जी इज इक्वल टू 43 टू शो द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट टेक्टेनियम, देन इट वॉज अननोन। तो टेक्टेनियम जेड इज इक्वल टू 43 वहाँ उस वक्त तक नोन नहीं था, तो मोज़ले ने ये चूँकि प्रिडिक्ट किया बाद में ये सामने भी आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ये मोज़ले की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन थी टूवर्ड्स दी एक्सरे स्पेक्ट्रा। सो हम कह सकते हैं कि एल लाइन आर ट्रांजिशन फ्रॉम एन एफ टू ओ इज इक्वल टू 2, इसी तरह एम लाइन हमारे पास 3 एन एफ इज इक्वल टू 3 के लिए है। नोट दैट विद वेरी हाई रेजोल्यूशन इट इज़ पॉसिबल टू सी द स्पिन ऑर्बिट स्प्लिटिंग, यहाँ पे हम स्पिन ऑर्बिट स्प्लिटिंग भी देख सकेंगे जब हम बहुत हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोमीटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हमारे पास जो ट्रांजिशन है के अल्फा ट्रांजिशन वो हमें के अल्फा वन और के अल्फा टू लाइंस की सूरत में, इसी तरह के बीटा एल अल्फा और एल बीटा ट्रांजिशन भी फर्दर स्प्लिटिंग नज़र आ जाती है, यानी यहाँ पे भी हमारे पास जो हम पहले आम स्पेक्ट्रम के अंदर एल एस और जे जे कपलिंग के साथ स्प्लिटिंग को
एक्सप्लेन करते हैं तो यहाँ पर भी हम उसको कर सकेंगे। इसके अलावा हमारे पास इंड्यूस्ड एक्स-रे इमिशन होती है। इंड्यूस्ड एक्स-रे इमिशन का मतलब ये होता है कि द एनर्जेटिक ट्रांजिशन डिस्क्राइब इन द प्रीवियस स्लाइड्स, जब वो वैकेंसी क्रिएट कर दें इनर शेल के अंदर, तो उस सूरत में कई दूसरे शेल से इलेक्ट्रॉन फॉल कर सकते हैं इनटू दैट ओपन स्पेस। तो उस सूरत में जो हमारे पास इनर शेल वैकेंसी फिल होती है, वो हम कई तरीक़ों से इंड्यूस कर सकते हैं। इसका एक तरीका ये हो सकता है कि हम उस किसी भी एलिमेंट को हाई एनर्जी पार्टिकल से इरेडिएट करें, जो इलेक्ट्रॉन को लिटरली नॉकआउट कर दें फ्रॉम दोज ऑर्बिटल्स और क्रिएटिंग दी वैकेंसीज, और अल्टीमेटली उस सूरत में ट्रांजिशन हो और करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज प्रोड्यूस हो सकें। तो इसको हम आमतौर पे पार्टिकल इंड्यूस्ड एक्सरे इमिशन या पिक्सी का नाम देते हैं, यानी जिसमें हम पार्टिकल्स का इस्तेमाल करते हैं सो दैट दे कैन नॉक आउट द इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। इसके अलावा हम ये भी कर सकते हैं कि कोई दूसरा सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सरेज हो, उसको हम यूज़ करें फॉर रेडिएटिंग दी एटम्स, और वो एक्सरेज पेनिट्रेट करें इनटू दी इलेक्ट्रॉन और वहाँ से इनटू दी एटम, और वहाँ से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दें बाय इम्पार्टिंग देयर एनर्जी टू दी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द इनर शेल, और वहाँ से फिर हम एक्सरेज प्रोड्यूस कर सकें। तो ये चूँकि हम एक्सरेज यूज़ कर रहे हैं टू प्रोड्यूस दी नेक्स्ट एक्सरेज, तो हम इसको आमतौर पर एक्सरे फ्लोरिसेंस का नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे कोबाल्ट, हमारे पास 50 कोबाल्ट 57 आमतौर पे इलेक्ट्रॉन कैप्चर करती हैं, और इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव, इसके अलावा भी हमारे पास रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं जो इस काम के लिए फिजिबल होते हैं। तो कोबाल्ट 57 डिके जब करता है फेरस 57 में, तो इन्वर्स बीटा डिके के सूरत में इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है, तो उस सूरत में यहाँ पर ये 136 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से ट्रांजिशन हो सकती है आइदर टू 0 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये होगा कि उस सूरत में फिर वो जिसके सिर्फ 9% चांसेस हैं, 91% चांसेस होंगे कि वो 136 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेवल से 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेवल को ट्रांजिट करें। अब अगर ऐसा होगा तो अल्टीमेटली जो हमारे पास 91% चांसेस होंगे, तो वहाँ पे एक्सरेज भी उसके रिलेटेड ज़्यादा होंगी, तो हम कह सकेंगे कि हमारे पास ये 122 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एक्सरेज प्रोड्यूस हो सकती हैं। इसी तरह जब वो 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जब वो ग्राउंड स्टेट में यानी 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की तरफ ट्रांजिशन होगी, तो वहाँ पर वो 14 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन इमिट हो सकते हैं। इस वजह से हमारे पास ये डिफरेंट सोर्सेज के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो हम रेडियो एक्टिव डिके के बाद वो बेसिकली एक्सरे सोर्स बन जाता है। इन एडिशन सिंस इट वाज बॉर्न वाया इलेक्ट्रॉन कैप्चर, द न्यू फेरस एटम इज मिसिंग एन इनर शेल इलेक्ट्रॉन एंड दस विल हैव इमिट करेक्टरिस्टिक्स एफ ई एक्सरेज, यानी चूँकि उसमें से ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन मिस हो जाता है, तो इसलिए वो फेरस के करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज के अल्फा लाइंस प्रोड्यूस करते हैं 6.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए। इसी तरह कैडमियम 109 भी हमारे पास इसी तरह सोर्स हो सकता है, जो 88 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन को प्रोड्यूस कर सकता है। फेरस 55 भी हमारे पास इसमें सोर्स के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। अब इसके अंदर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो गैमा रेज आमतौर पे इमिट करते हैं, तो लेकिन हम कुछ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई को फोटोन की रेंज एक्सरेज की रेंज में आ जाती हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक्सरेज के सोर्स के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन ये याद रखना है कि ज़्यादातर हमारे पास जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हैं दे प्रोड्यूसेस गैमा रेज। स्टॉपिंग रेडिएशन और ब्रह्मसंग रेडिएशन की हम पहले बात कर चुके हैं, तो जो हमारे पास एक्सरेज प्रोड्यूस होती हैं उनको फिर हम मुख्तलिफ एप्लीकेशंस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम इस आपके पिछले कोर्स के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। होप आज का ये टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर इसके बारे में आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी उसका आंसर करूँ। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।